सोलन में नगर निगम चुनाव नजदीक हैं। अब शहरवासियों को आशाएं हैं कि नगर निगम के पार्षद और प्रशासन उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे और जो मांगे वे उनके समक्ष रखेंगे, वे उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। सोलनवासियों ने अपनी समस्याओं को मीडिया के समक्ष रखना भी आरंभ कर दिया है। उनकी समस्याओं को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नगर निगम के चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा कूड़ा बनने वाला है। सभी वार्डों के मतदाता शहर में फैले गंदगी से परेशान हैं। उनका कहना है कि शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, जिसे नगर निगम द्वारा दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। शहरवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि वे घर से निकले कूड़े को फेंकने के लिए नगर निगम को उसका शुल्क दे रहे हैं, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी कूड़ा एकत्र करने के लिए बेहद कम आ रहे हैं और वे खुद ही कूड़ा फेंकने को मजबूर हैं। यहां तक कि लॉकडाउन में नगर निगम के कर्मचारी कूड़ा लेने नहीं आए, लेकिन कूड़े के बिल उन्हें फिर भी भरने पड़े। किसी भी पार्षद ने शहरवासियों के हक में कुछ नहीं कहा और सभी को कोविड काल में भी कूड़े का शुल्क भरना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये शुल्क देकर भी घर के आसपास गंदगी फैली रहती है, जिसकी वजह से सभी बेहद परेशान हैं। नगर निगम को चाहिए कि वे इस समस्या का हल निकाले। तो डेवलपमेंट के साथ साथ हम मेंबर को, मेंबर भी ऐसे चाहते हैं क्योंकि काम करे, और काम करने के साथ साथ जो है ना, तो ईमानदारी से अगर वो पैसा खर्च करेगा तो हम उसी को चाहेंगे। मुख्य मुद्दा तो यही है कि हमारा जो है ना, एक तो कमेटी, हम लोग कमेटी में आते हैं, तो कमेटी में साफ सफाई जो है तो इसके पैसे देते हैं हम लोग, तब भी वो टाइम से नहीं आते, और कभी आते हैं कभी नहीं आते, तब भी हम जो है तो कूड़ा जो है उनको दे, कभी दे ऊपर गिर आते हैं, वो जो है तो कम समय काम करते हैं, प्रॉपरली वो काम नहीं करते। तो हम यही चाहते हैं मेंबर से भी वो प्रॉपरली देखे, और शहर की डेवलपमेंट के लिए जो है कूड़ा करकट जो है ना सबसे पहले उठाए। बाकी ऐसा है कि साफ सफाई यहाँ पर ठीक नहीं है। जो कमेटी वाले आते हैं वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कूड़ा में ऊपर डालना पड़ता है, फिर या जो भैया झाड़ू मारने तक नहीं आते हैं है। आप बिल देते हैं घर का 50 रुपये हर महीने ले रहे हो, लॉकडाउन के टाइम पे भी उन्होंने 300-300 रुपये लिए, 6-6 महीने के कूड़ा उठाने के लिए आए नहीं हो, हमने खुद डाला है। तो यह कमेटी का काम ठीक नहीं है यहाँ पे जो है के बारे में, और हमारी जैसे गलियां है, और हमारे जैसे ये ब्रेकर के लिए बोला था हमने कि ब्रेकर लगे यहाँ, और लोग जैसे ओवर स्पीड पे चलते हैं, और वो भी नहीं किया जो हमें, हमने एक बारी पहले भी दिया था ये, तो जो काम करेगा हम उनके साथ है, जो काम करेगा हमारे 8वां नंबर वार्ड का, तो जो काम करेगा उसके साथ है हम।